अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 12 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड y2 इफ पार्ट 1 इज y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है y2 और y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। y है हमारे पास 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 2 into x raised to the power 5 minus 3 into x raised to the power 4 plus 4x cube plus x minus 2। Then हमारे पास आ जाएगा dy over dx। This is equal to 2 into d over dx of x raised to the power 5 minus 3 into d over dx of x raised to the power 4 plus 4 into d over dx of x cube plus d over dx of x minus d over dx of 2 dy over dx। this is equal to 2 into अब यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 5 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 देन आ जाएगा माइनस 3 इंटू 4x क्यूब प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और उसके अलावा ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है। देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो dy ओवर dx है इसको हम दूसरी नोटेशन में लिखते हैं और वो है y1 एंड दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हम ये करेंगे दोनों साइड्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को एंड दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 10 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू अब राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। और उसके अलावा ये जो फोर्थ टर्म है 1 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 बिकॉज 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमारे पास y2 आ जाएगा 40 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 24 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू में y है 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2। अब हमने फाइंड करना है y2, तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। y है हमारे पास 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2। नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y1 and this is equal to d/dx of 2x plus 5 raised to the power 3/2। नेक्स्ट आ जाएगा y1, this is equal to, अब हमने 2x plus 5 raised to the power 3/2 का फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल और उसके बाद पावर के अंडर ये जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ 2x प्लस 5। देन हमारे पास आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास y1 आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y2 एंड दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। y2 इज इक्वल टू 3 इंटू d/dx ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। देन आ जाएगा y2, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2 इंटू d/dx ऑफ 2x प्लस 5। y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास अब y2 आ जाएगा 3/√2x प्लस 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में y है √(x) प्लस 1/√x। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे y2। y इज इक्वल टू √(x) प्लस 1/√x, तो y को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1/2। y1 इज इक्वल टू, अब हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x रेज टू द पावर 1/2 का, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x रेज टू द पावर माइनस 1/2 का, तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 into x raised to the power minus 1 over 2 minus 1. y1, this is equal to 1 over 2 into x raised to the power minus 1 over 2. Then आ जाएगा minus 1 over 2 into x raised to the power minus 3 over 2. Differentiate again with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा y2, this is equal to d over dx of 1 over 2 into x raised to the power minus 1 over 2 minus 1 over 2 into x raised to the power minus 3 over 2. देन हमारे पास आ जाएगा y2, this is equal to 1 over 2 into minus 1 over 2 into x raised to the power minus 1 over 2 minus 1 minus 1 over 2 into minus 3 over 2 into x raised to the power minus 3 over 2 minus 1. अब हमारे पास y2 आ जाएगा minus 1 over 4 into x raised to the power minus 3 over 2 plus 3 over 4 into x raised to the power minus 5 over 2. y2, this is equal to 1 over 4 into minus 1 over x raised to the power 3 over 2 plus 3 over x raised to the power 5 over 2. अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा 1 ओवर 4 इंटू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x रेज़ टू दी पावर 5 ओवर 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस 3. y2 नाउ बिकम्स 3 माइनस x ओवर 4 इंटू x रेज़ टू दी पावर 5 ओवर 2. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड y2 if part 1 is y is equal to x square into e raised to the power minus x. सोल्यूशन करते हैं. y is equal to x square into e raised to the power minus x. Differentiate both sides with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y1 and this is equal to d over dx of x square into e raised to the power minus x. y1 is equal to, अब हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. y1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स. देन आ जाएगा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 2x. y1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस 1. देन आ जाएगा प्लस 2x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है कॉमन तो हमारे पास y1 आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e raised to the power minus x into 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट साइड पे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। वाई टू इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस 2x, देन आ जाएगा प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास y2 आ जाएगा e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e रेस टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस 1, देन हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x माइनस e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है e रेस टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x plus 2. We know that log of m over n this is equal to log of m minus log of n. तो हमारे पास अब y आएगा natural log of 2x plus 3 minus natural log of 3x plus 2. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y1 दिस इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2, देन आ जाएगा y1 दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, देन आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 3x प्लस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। y1 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 3, देन आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 3 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x प्लस 2 और y1 को अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस 1। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 रेस टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 इंटू डी ओवर dx of 3x plus 2 raised to the power minus 1 y2 this is equal to 2। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 2x plus 3 raised to the power minus 1 का, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2x plus 3 raised to the power minus 1 देन हमारे पास पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx ऑफ 2x plus 3 देन आ जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस 1 इंटू d ओवर dx ऑफ 3x plus 2 देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2 देन आ जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 3 के इक्वल। y2 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 2 प्लस 9 ओवर 3x प्लस 2 रेस टू द पावर 2। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास y2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 2 इंटू 3x प्लस 2 रेस टू द पावर 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पे 3x प्लस 2 रेस टू द पावर 2 और 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 2 ये दोनों ही a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास अब y2 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x देन आ जाएगा प्लस 9 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x over 2x plus 3 raised to the power 2 into 3x plus 2 raised to the power 2 y2 is equal to minus 36x square minus 16 minus 48x plus 36x square plus 81 plus 108 x over 2x plus 3 raised to the power 2 into 3x plus 2 raised to the power 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है माइनस 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब y2 आ जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 65 ओवर 2x plus 3 raised to the power 2 into 3x plus 2 raised to the power 2। So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड y2 if पार्ट 1 इज x square plus y square is equal to a square। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड डेरिवेटिव को और उसके अलावा पार्ट 1 में ये जो a है ये एक कांस्टेंट है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। वी आर गिवन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ a स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, देन आ जाएगा प्लस। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन था वो था वाई, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने वाई का डेरिवेटिव दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर एक कांस्टेंट फंक्शन है और हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है। देन आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर dx and this is equal to 0। अब यहाँ पे dy over dx को हम दूसरी नोटेशन में लिखेंगे which is y1, तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 2 into y1 this is equal to 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 into y1 this is equal to minus 2x, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आ जाएगा minus x over y के इक्वल। Differentiate again with respect to x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y2 एंड दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ माइनस x ओवर y। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू y into d over dx of minus x into d over dx of y divided by y square। तो हमारे पास आ जाएगा y2 this is equal to minus y plus x into dy over dx divided by y square। y2 is equal to minus y plus x into y1 over y square। We know that y1 is equal to minus x over y, तो यहाँ पे y1 की जगह आ जाएगा minus x over y, so y2 becomes minus y plus x into minus x over y divided by y square। देन हमारे पास आ जाएगा y2 this is equal to minus y square minus x square over y divided by y square। y square is equal to minus y square minus x square over y cube। y2 is equal to minus into x square plus y square over y cube। We know that x square plus y square this is equal to a square, तो यहाँ पे x square plus y square की जगह पे आ जाएगा a square, तो हमारे पास y2 आ जाएगा minus a square over y cube। So this is our final result। नेक्स्ट है पार्ट टू। पार्ट टू में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हमने फाइंड करना है y2, तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी आर गिवन विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। डिफरेंशिएट with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा d over dx of x cube minus y cube and this is equal to d over dx of a cube। then आ जाएगा d over dx of x cube minus d over dx of y cube and this is equal to d over dx of a cube। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। देन हम वाई क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3 y square into dy over dx and this is equal to और a cube का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 0. देन हमारे पास आ जाएगा 3x square minus 3y square into y1 and this is equal to 0. देन आ जाएगा 3x square this is equal to 3 into y square into y1. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आ जाएगा x square over y square के इक्वल. Differentiate again with respect to x. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल. तो यहाँ पे आ जाएगा y square into d over dx of x square minus x square into d over dx of y square डिवाइडेड बाय y रेज़ टू द पावर 4. y2 हमारे पास अब आ जाएगा y स्क्वायर इंटू 2x माइनस x स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ओवर y रेज़ टू द पावर 4. y2 देन आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x square y into y1 over y raised to the power 4. We know that y1 is equal to x square over y square. तो यहाँ पे y1 की जगह आ जाएगा x square over y square. So now y2 becomes 2 into x into y square minus 2 into x square into y into x square over y square divided by y raised to the power 4. अब यहाँ पे देखा जा सकता है y के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास अब y2 आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 ओवर y divided by y raised to the power 4. Then आ जाएगा y2 this is equal to 2 into x into y cube minus 2 into x raised to the power 4 over y raised to the power 5. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से देखा जा सकता है minus 2x आ रहा है कॉमन. तो हमारे पास अब y2 आ जाएगा minus 2x into x cube minus y cube over y raised to the power 5. We know that x cube minus y cube this is equal to a cube. तो x cube minus y cube की जगह आ जाएगा a cube. तो हमारे पास y2 आ जाएगा minus 2 into a cube into x over y raised to the power 5. So this is the required result. Next है part 3. पार्ट 3 में x है a इंटू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा. अब हमने फाइंड करना है y2. तो यहाँ पे देखा जा सकता है x और y दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं थीटा पे. तो यहाँ पे y2 फाइंड करने के लिए हमने यूज करना है चेन रूल. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे dx ओवर d थीटा दिस इज इक्वल टू d ओवर d थीटा ऑफ a इंटू कॉस थीटा. अब a एक कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा. तो हमारे पास dx ओवर d थीटा आ जाएगा माइनस a इंटू साइन थीटा. तो यहीं पे ही हम d थीटा ओवर dx फाइंड कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a इंटू साइन थीटा. दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट है y विच इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा. सो dy ओवर d थीटा दिस इज इक्वल टू d ओवर d थीटा ऑफ a इंटू साइन थीटा. साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। सो डी वाई ओवर डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और उसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अप्लाइंग chain rule on 1 and 2 तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा ओवर dx। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा इंटू -1 ओवर a इंटू साइन थीटा। a के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो y1 नाउ बिकम्स माइनस कॉट थीटा। Differentiate again with respect to x तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। y2 इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ थीटा। देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स एंड वी नो दैट डी थीटा ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू -1 ओवर a इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास y2 आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू -1 ओवर a इंटू साइन थीटा। y2 इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर a इंटू 1 over sin theta is equal to cosecant theta। तो हमारे पास अब y2 आ जाएगा -1 over a into cosecant cube theta। So this is the required result। Next है part 4। Part 4 में x है a into t square and y is equal to b into t square। तो यहाँ पे भी हम chain rule की help से जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। x है a इंटू टी स्क्वायर के इक्वल तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dx ओवर dt बिकॉज x यहाँ पे डिपेंड कर रहा है t पे और इसके अलावा ये जो a और b है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है t पे तो उसके लिए अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर। dx ओवर dt हमारे पास आ जाएगा a इंटू 2t dx ओवर dt दिस इज इक्वल टू 2at। तो हमारे पास dt ओवर dx आ जाएगा 1 ओवर 2at। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास y है b इंटू t रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आ जाएगा dy over dt. This is equal to b into d over dt of t raised to the power 4. dy over dt. This is equal to b into 4t raised to the power 3. Then आ जाएगा dy over dt. This is equal to 4bt cube. This is equation 2. Applying chain rule on 1 and 2, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx. This is equal to dy over dt into dt over dx. dy over dx को हम लिख सकते हैं y1 and this is equal to dy over dt is 4b t cube into dt over dx is 1/2at. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4 और t के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आ जाएगा 2b t square over a. Differentiate again with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा y2. This is equal to 2b over a into d over dx of t square. y2 is equal to 2b over a into t square का डेरिवेटिव with respect to x आ जाएगा 2t into dt over dx. We know that dt over dx, this is equal to 1/2at. तो हमारे पास अब y2 आ जाएगा 2b over a into 2t into 1/2at. 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब y2 आ जाएगा 2b over a square. So this is the required result. Next है part 5. Part 5 में हमारे पास है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब यहाँ पे हमने find करना है y2 और उसके अलावा g, f और c ये तीनों constants हैं, तो इसका अब करते हैं solution. We are given with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा d over dx of x square plus d over dx of y square plus 2g into d over dx of x plus 2f into d over dx of y plus d over dx of c and this is equal to d over dx of 0. नेक्स्ट आ जाएगा 2x plus y square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2y into dy over dx, देन आ जाएगा प्लस 2g प्लस 2f into dy over dx और c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा 2x plus 2 into y1 plus 2g plus 2f into y1, this is equal to 0. अब हम इन दोनों टर्म्स में से y1 को कॉमन लेंगे और उसके अलावा जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y plus 2f into y1, this is equal to minus 2x minus 2g. देन आ जाएगा 2 into y plus f into y1, this is equal to minus 2 into x plus g 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास y1 आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर y प्लस एफ। डिफ्रेंशिएट again with respect to x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू d ओवर dx ऑफ x प्लस g ओवर y प्लस f। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशेंट रूल, तो हमारे पास y2 आ जाएगा माइनस इंटू वाई प्लस एफ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जी माइनस एक्स प्लस जी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास y2 आ जाएगा माइनस इंटू वाई प्लस एफ, एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1, देन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जी और y प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy ओवर dx एंड dy ओवर dx कैन बी रिटन एज y1 डिवाइडेड बाय y प्लस एफ रेज टू द पावर 2। We know that y1 is equal to minus into x plus g over y plus f, तो यहाँ पे y1 की जगह पुट कर देंगे माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। तो हमारे पास y2 आ जाएगा माइनस इंटू वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी इंटू माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ रेज टू द पावर 2, देन हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई प्लस एफ प्लस एक्स प्लस जी रेज टू द पावर 2 ओवर वाई प्लस एफ divided by y plus f raised to the power 2, then y2 हमारे पास आ जाएगा minus into y plus f raised to the power 2 plus x plus g raised to the power 2 over y plus f raised to the power 3। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को evaluate कर लेंगे, तो हमारे पास y2 आ जाएगा minus into y square plus f square plus 2fy plus x square plus g square plus 2gx over y plus f raised to the power 3। y2 is equal to minus into x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus g square plus f square over y plus f raised to the power 3. We know that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c this is equal to 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy दिस इज इक्वल टू माइनस c। तो हमारे पास अब y2 आ जाएगा माइनस इंटू माइनस c प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ओवर y प्लस f रेज टू द पावर 3, देन हमारे पास y2 आ जाएगा c minus f square minus g square over y plus f raised to the power 3. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।